हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उमास ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज है हम बंगाली लोगों का कोजागिरी लक्ष्मी पूजा। आज है शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा में मैं कैसे पूजा वगैरह कर रही हूँ ये सब मैं आपको बताती हूँ आगे चल करके। और काम मैंने निपटा लिए हैं सारे घर के, पूजा वूजा के बर्तन वगैरह निकाल लिए हैं। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं पीने वाली हूँ चाय। चाय मैंने चढ़ा ली है, आज मेरा फास्ट है, मैं अभी सिर्फ चाय ही पीऊँगी। और उसके बाद सारा दिन मैं क्या क्या करती हूँ देखिए, चलिए मेरे साथ। आज सभी बंगाली घरों में लक्ष्मी पूजा होती है। जो बाकी जो आप सब लोग जो दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं, उसी तरह की लक्ष्मी पूजा आज हमारे घर होती है। तो आप सब भी देखिए, हमारे साथ बने रहिए। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से देखिए। बात कर रही है ना, मैं मना करती हूँ कि मत आया करो, मैं आराम से बात करना चाहती हूँ, बट देखिए ये कहीं ना कहीं से जरूर आ जाएगी। और हाँ, मैं क्या बोल रही थी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मेरी नई वीडियोस आए तो आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और चलिए अब किचन में चलती हूँ मैं। माता के लिए, लक्ष्मी माँ के लिए भोग वगैरह बनाना है मुझे। भोग में सारा मीठा ही बनने वाला है। तो क्या क्या मैं कर रही हूँ, कुछ मीठा शायद ऐसा भी होगा जो मैं पहले बना चुकी हूँ, तो बस मैं आपको दिखा दूंगी। बार बार रेसिपी बताने की तो ज़रूरत है नहीं। कैसे पूजा वगैरह करते हैं, हमारे साथ बने रहिए। जय लक्ष्मी मैया की। आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है मन को भी। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ तब तक। तो मैं आज बनाने वाली हूँ खीर। तो आज शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनता ही है। उसके लिए मैं ले रही हूँ ये टोंड मिल्क, अमूल का जो आता है नॉर्मली। इसे मैं कट करके बर्तन में निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम चढ़ा देंगे गरम होने के लिए। सभी शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाते ही हैं, ज़्यादातर लोग मंदिरों में भी आज के दिन खीर बनती हैं, क्योंकि धार्मिक धारणा है कि आज के दिन खीर बना करके रात भर उसे बाहर रखा जाता है। तो आज जो है, आज की रात्रि जो है अमृत की वर्षा होती है, तो वही खीर सब लोग खाना पसंद करते हैं। तो मैंने इस तरह का एक गंज लिया है, इसमें मैं दूध को डाल करके, स्टोन मिल्क में आप थोड़ा बहुत वाटर भी ऐड कर सकते हैं। के अंदर चावल मैंने ऐड कर दिया है, ये ड्राई फ्रूट्स मैं कुछ ले रही हूँ धो करके, बादाम, काजू, आमंड्स और क्या बोलेंगे इसको आप लोग, जो भी बोलते हो, जो आपके पास हो। ये मैंने किशमिश कुछ भिगो दी है पानी में। और ये है रही चिरौंजी, इनको भी मैंने पानी में भिगो लिया है, अच्छे से वॉश करके ही मैं यूज़ करूँगी। और ये रहे कुछ पिस्ता जिसे कहते हैं, इसको भी मैंने छिलके से नहीं उतार लिया और पानी में कुछ टाइम के लिए भिगो के रखा है, फिर मैं इसको कट कर लूँगी। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैं दो चीज़ों के लिए ले रही हूँ, एक तो मैंने उधर खीर चढ़ाया हुआ है वो आपको दिख ही रहा होगा, और यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अभी मैं इसमें बनाने वाली हूँ हलवा। तो हलवा भी मैं आपको एक बार दिखाई चुकी हूँ, माता के लिए प्रसाद, भोग का प्रसाद बनेगा, हमारे यहाँ सब मीठा ही बनता है। तो बस मैं यही बनाने वाली हूँ, तो देखते रहिए आप लोग आगे कैसे क्या बन रहा है। तब तक मैं इधर कढ़ाई में घी ऐड कर देती हूँ। घी मैं देसी घी ही लूँगी, घर का बना हुआ। दो चम्मच आप इसमें घी ऐड कर सकते हैं, जितना भी आप बना रहे हो, मैं उतना ज़्यादा बनाऊँगी नहीं। और इधर मैं बना रही हूँ देखिए सूजी, ये मैं ले रही हूँ। घी गरम हो जाए तो इसमें आप ऐड कर दीजिए। इधर करंट भी चली गई है, अंधेरे में ही मुझे काम करना होगा। अरे आपको देखिए, जैसे ही मैंने बताया करंट चला गया, वैसे ही करंट वापस आ भी गया। ये
थ्री बस। अब इसको हमको भून लेना है। उधर खीर के लिए देखिए मैंने चावल ऐड कर दिया है उसमें, और तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेती हूँ। दूध में चावल उबल जाएंगे जब हल्का, तो उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स उसमें ऐड करूँगी। इधर तब तक मैं घी के साथ सूजी को भून लेती हूँ। इसको हल्का सुनहरा होने तक हमको भूनना है हल्की आंच पे, ज़्यादा तेज आंच न रखिएगा तो क्योंकि ये जल सकता है। ये देखिए सूजी जो है भून चुका है, लाइट ब्राउन कलर इसमें आ गया है। देखिए उधर दूध भी बॉयल हो रहा है, और मैंने इधर कट कर लिए हैं। कट मेरे पास करने का टाइम नहीं है, मेरे बहुत ज़्यादा मुझे लेट हो जा रहा है क्योंकि अकेली हूँ मैं, मेरे हस्बैंड भी घर पे है नहीं। सब धो करके मैंने ड्राई फ्रूट्स को बस कूच लिया है ताकि जल्दी काम हो जाए। अब इसमें मैं आधे इसमें डाल दूंगी और आधे मैं खीर के लिए रखूंगी। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, आपको जैसा पसंद हो, बट भगवान के प्रसाद में तो आप जितने ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको भी हम थोड़ा सा अभी भून लेंगे। और ये मैंने कुछ किशमिश भी ऐड किए हैं, और ये है डेसिकेटेड कोकोनट, ये भी आप ऐड करेंगे तो हलवे में बहुत अच्छा से टेस्ट आता है खाने का प्रसाद में। बस अब इनको भी मैं थोड़ा सा दो तीन मिनट के लिए भून लूँगी। अब देख लेते हैं इधर दूध को, ये भी हो रहा है। पूजा की मैंने कोई भी अभी तक तैयारी नहीं की है, ये भोग सारा बन जाए उसके बाद मुझे आसन भी लगाना है माता का। इस बार क्योंकि पूर्णिमा दो दिन था, कल भी था 19 को और आज 20 को भी है, तो आज लेकिन 7 या 8 बजे शायद तक पूर्णिमा ख़त्म हो जाएगी, तो हमको पूर्णिमा ख़त्म होने से पहले पूजा में बैठ जाना है, या हो सके तो पूजा कंप्लीट ही कर लेना है। देखते हैं कैसे होता है। बस ये भून के है, अब इसमें मैं इस टाइम पे शुगर ऐड कर दूंगी। शुगर टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आप मीठा पसंद करते हो वैसे आप डालिए, ज़्यादा या कम। हम लोग उतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं, बट मुझसे अंदाज हो नहीं पाता है इतने ऐसे छोटे वाले देखिए प्लेट से मैं डाल रही हूँ। ऐसे मैं 2 प्लेट्स इसमें भर भर के डाल दूंगी छोटे वाले। बस इसको डालने के बाद वाटर ऐड कर देंगे। देखिए केयरफुली डालना होता है, बहुत ज़्यादा ये ऊपर आ जाता है क्योंकि गर्म रहता है कढ़ाई, उस टाइम हम अगर वाटर ऐड कर देते हैं, हाँ ज़्यादा अच्छा हो तो अगर आप गर्म पानी करके ऐड करें तो बेहतर होगा, बट मेरे पास अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है इसलिए मैंने ठंडा पानी ही ऐड कर दिया है। इलायची, हरी इलायची जो ग्रीन कार्डमम मैंने कूट करके रख लिया था, आधे इसमें डालूंगी, आधे में खीर में ऐड करूंगी। उतारते समय खीर भी बस फाइनल स्टेज पे ही है। इधर हमारा हलवा भी तैयार है, बस इसको मैं फाइनल टच दे देती हूँ अच्छे से मिला करके, थाली में मैं इसे सर्व कर लूँगी।
और उधर खीर को भी। मैं बस इसी तरह से आपको दिखाने की ज़रूरत है नहीं, खीर भी हो ही गया है, देखिए बॉयल हो रहा है आपको दिख ही रहा है। और सेम मैं इसी तरह उसमें भी डाल दूंगी ग्रीन कार्डमम का जो मैंने कूट करके रखा है पाउडर, अगर आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। बस तैयार है ये दोनों भोग, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे मैं आती हूँ। हलवा तैयार है, मैंने देखिए थाली में निकाल लिया है, अच्छे से प्रेस करके दबा दबा के इसे इसमें सेट कर दिया है। अब इसकी हम पूजा हो जाने के बाद बर्फी काटेंगे, या चाहे आप ऐसे भी दे सकते हैं। खीर भी बस होने वाला है। बाद हम बनाने वाले हैं, ये है लक्ष्मी माता का सबसे मेन प्रसाद बनने वाला है, इसे लाई कहते हैं हम लोग, इसे खोई कहते हैं बंगाली लोग। इसे मैंने अच्छे से सुबह उठ करके साफ़ कर लिया है, बहुत इसमें कचड़े वगैरह होते हैं, धान सब मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसमें हम गुड़ की कोटिंग करेंगे, ये मेन प्रसाद होता है हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा में, इसे चढ़ाया जाता है। तो ये साफ़ करने के बाद हमने अब कढ़ाई चढ़ाना है, उसके बाद हमको गुड़ को गला लेना है, उसके बाद इसमें हम इसको कोट करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे मैं क्या कर रही हूँ। इस तरह के डब्बे में हमको रख लेना है ताकि इसमें हम इसमें कोट कर पाएँ अच्छे से गला करके। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको कोट करूँगी, देखिए गुड़ के उसको जो लिक्विड हमने तैयार किया है गुड़ का, ये गरम गरम, बिल्कुल ये ठंडा ना होने पाए, फटाफट गरम गरम आपको ये काम करना है। और ये भी रेडी हो गया है, देखिए मैंने अच्छे से गुड़ को इसमें कोट कर दिया। ऐसे ही हमारे में चढ़ाया जाता है, प्लेन नहीं चढ़ाया जाता हमारे यहाँ लाई को। अब ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। मैं ऐसे रख देती हूँ, अब आगे के काम में बढ़ती हूँ मैं आगे। भोग बना लिया है, अब इसके बाद मुझे बनाना है नारियल के लड्डू, जिसके लिए देखिए मैंने नारियल को तोड़ के रख लिया है। और इधर ये है मेरे पास नारियल को, क्या बोलेंगे आप इसको, चूरा निकालने वाला। और इधर मैंने फ्रूट्स को भी धो करके रख लिया है। बाप रे आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा लेट। देखिए मेरा आसन यहाँ बनने वाला है, बस तैयारी कर रही हूँ मैं। और इधर सारे तैयारी, देखिए टेबल में बिल्कुल भी जगह नहीं है, ये बर्तन वगैरह मैंने धो करके रख लिया है। ये मेरी बेटी का काम देखिए आनी का, उसने माता लक्ष्मी की ड्राइंग की है, इसे वो लगाने वाली है। ये सारे बर्तन मैंने धो के रख लिए हैं, सामान तो देखिए किस तरह से फैला हुआ है मेरे टेबल पे। बस अब मैं चालू कर देती हूँ अल्पना बनाना, जैसे कि आप लोग रंगोली कहते हैं, ये मैं बनाने वाली हूँ। अब बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, टाइम कितना हो गया। और यहाँ वॉच देखिए बजने वाले हैं 4, मुझे काम कंप्लीट करना था बिल्कुल 5 बजे तक, पता नहीं अब 1 घंटे में क्या करने वाली हूँ।
और आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैं आज क्या वियर करूँगी। मैं वियर करने वाली हूँ आज ये साड़ी। ये है देखिए, ये मेरे पापा ने मुझको लेकर के दी थी, तो इसे आज मैं पहनने वाली हूँ। ब्लाउज़ वगैरह मैंने सिलवा लिया था पहले ही, ये साड़ी आज मैं पहनने वाली हूँ लक्ष्मी पूजा में। तो कैसे लगेगी बताइएगा, पहन लूँ। और मेरी हालत देखिए, बाप रे, काम कर कर के चाय पीने का भी टाइम नहीं। उस टाइम तो एक कप मैंने चाय पी लिया और बना के रखा था एक कप चाय, बट टाइम नहीं है। अब मेरे पास बजने वाले हैं 4, अब मुझे 1 आवर में सारा काम कंप्लीट करना है, तैयार होना है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, फटाफट से मैं अपने सारे काम निपटा लूँ, उसके बाद मिलते हैं। और ये रही साड़ी। बना रही हूँ अब माता के लिए लड्डू नारियल की, जिसके लिए मैंने देखिए क्रश करके ले लिया है गुड़। और ये है नारियल जो मैंने अभी आपको दिखाया कीसते हुए, कसा हुआ नारियल है ताज़ा। बस अब इसको मैं कुछ देर आंच पे पकाऊंगी इस तरह से। नारियल का कच्चापन हमको दूर करना है। देखिए ये हो ही गया है बिल्कुल, तेल छोड़ने लग जाता है जब इसको हम भूनते रहते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर करके रखा है कूट करके, इलायची को, हरी इलायची को, ग्रीन कार्डमम, उसको आप इसमें फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं, वो मैं इसमें डालने वाली हूँ। उसके बाद हम इसको हल्का ठंडा होने पर लड्डू बांध लेंगे। ऐसे पानी लगा लगा करके ऐसे बांध लीजिए लड्डू, गरम गरम, ठंडा ना होने पाए। ऐसे एक हाथ से अच्छे से दबाइए, फिर बस रोल, नारियल का लड्डू तैयार है बंगाली घर का। इधर प्रिपरेशन चल रही है माता को बैठाने की, देख लीजिए आप लोग भी, देखिए प्रिपरेशन चल रही है। अभी आए हैं ये ऑफिस से, बस मैंने बोला जल्दी से। इतने नारियल में देखिए इतने लड्डू मैंने बना लिए भगवान के लिए। और उधर आसन में जल्दी से रेडी कर लेती हूँ क्योंकि 5 बज गया है।
शाम हो गई है, फटाफट मैं फूल तोड़ लेती हूँ। कल कुछ मैंने लेकर आया है मार्केट से और कुछ मेरे पेड़ में है तो वो मैं निकाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं फटाफट से आसन सजा लूँ, लेट हो गया, मुझे 5 बजे बैठाना था बट 5:30 होने को है, लगता है अब 6 बज जाएंगे। ভীষণ দুর্ভিক্ষে সদা মর্তবাসী জলে কৃপা দৃষ্টে চাহ মাগো নর নারীগণ অন্নদানে অন্নপূর্ণা নারদের বাক্য শুনি লক্ষ্মী ঠাকুরানী সঘনে নিঃশ্বাস অনন্দা বরদা তুমি হর বিহদ তারিণী দয়া কর এব মোর মাধব ধরণী এই রূপে স্তুতি করে ভক্তি মনে একাগ্র হইয়া মধৌ ব্রত কথা শুনে ব্রতের উপর আনন্দে পূর্ণিত হয় তাহার অন্তর ভাইয়ের